चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो प्रूव दैट वाला सम है, जिसमें इंफॉर्मेशन वो दिया हुआ है ओपी ओक्यू ओआर ओएस आर 4 रे। तो यहां पे बोला है ओपी ओक्यू ओआर ओएस, वो टोटल 4 रेस दी हुई है। इसके बाद बोला हुआ है प्रूव दैट पी ओ क्यू क्यू ओ आर एस ओ आर और लास्ट में बोला हुआ है पी ओ एस, ये सबका टोटल 360 होना चाहिए। अभी बच्चा आप ध्यान से देखोगे तो ये रे में प्रॉब्लम वो है कि कहीं पे भी हम स्ट्रेट लाइन पूरी बना नहीं पाते। ये लाइन है ना, थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पी ओ एस एज ए स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप बोलोगे देखो सर ये दोनों तो ऐसे ही है, ओ क्यू इतना ही है, ओ आर इतना ही है, एक ही जगह पॉसिबिलिटी थी, वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप बोलोगे सर आप स्ट्रेट लाइन के पीछे क्यों पड़े हो बच्चा, तो वही तो मेन पॉइंट है, क्योंकि यहां से हम लीनियर पैर का लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। और आप बोलोगे सम ऑफ द एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180, वो लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। वो कुछ भी करना है बच्चा तो उसके लिए मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो आप बोलोगे सर आप कहीं पे भी ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ करो, क्योंकि ये सारे रे है। तो आप ओ आर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ओ क्यू से कर सकते हो, ओ पी से कर सकते हो, हमें एडिशनल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर हम कहां से करेंगे, तो बच्चा हम टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेंगे। तो हम जो करने वाले है वो कंस्ट्रक्शन कहां करेंगे, तो ओ क्यू से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां कुछ ऐसे करके ये एक पॉइंट ले लेते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो अभी जो भी हमने किया वो लिखना शुरू करते हैं। पहले तो गिवन में लिखते हैं, गिवन में क्या है, तो गिवन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन है ओपी ओक्यू ओक्यू क्यू आर एंड ओ एस, उसमें लिखेंगे 4 रेस। अभी कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हमें ये लिखना नहीं आता। बच्चा लिखना नहीं आता ऐसा नहीं, क्वेश्चन जो दिया उसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना है। बाद में आप बोलोगे सर फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहां प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू 360। तो ये वाला लॉजिक अप्लाई करना है। अभी बच्चा हमने जो कंस्ट्रक्शन एडिशनल किया है, कंस्ट्रक्शन ऑलवेज डॉटेड लाइन में होता है, वो ध्यान में रखना, जिससे पता चले कि हमने कुछ एडिशनल किया है। इतना तो सब में दिया हुआ था, हमने कुछ यूज करके इसका हमने कंस्ट्रक्शन बनाया है, वो देखने से वो पता चलता है। चलो बच्चा तो कंस्ट्रक्शन अभी लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन तो आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ अ रे। बच्चा तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ रे ओ क्यू बैकवर्ड टू पॉइंट टी। तो यहां पे हमने, आप बोलोगे सर यहां ओ क्यू से एक आगे पॉइंट हमने ड्रॉ किया है जो है टी, जिससे क्या हो जाएगा, सो दैट टी ओ आर स्ट्रेट लाइन। क्लियर, बस बच्चा यही पॉइंट का यूज करके हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ में आप बोलोगे सर सबसे पहले आप क्या करोगे, तो हमें ये देख रहा है ये एक साइड है, यहां पे एक है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है उसका यूज करेंगे। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले एस टी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है, वो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो आप बोलोगे सर अब क्या कर सकते हैं, तो यहां से और ये एंगल दो लेते हैं। तो एंगल अब बोलोगे पी ओ टी प्लस आप बोलोगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, बच्चा आप बोलोगे 180। कौन सा लॉजिक अप्लाई किया बच्चा बोलो, तो आप दो ही एंगल है स्ट्रेट लाइन पे है, तो आप बोलोगे सर ये पैर वाला कंसेप्ट, कौन सी पैर वाला, तो लीनियर पैर वाला कंसेप्ट हमने यूज किया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो अभी एक जो हमें समझना है, एक पॉइंट आप समझना ध्यान से। आप बोलोगे सर ये एस ओ मतलब पी ओ एस है एंगल, पी ओ एस है वो किसके एंगल के साथ मिला हुआ है, तो आप बोलोगे पी ओ टी
पीओटी प्लस एसओटी ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है ऑलरेडी, क्योंकि ये तो हम नॉर्मल तरीके से भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ना पी एस ओ आर चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर POS जो लास्ट वाला है ना POS वहां जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमने एडवांस में लिख दिया। अभी बच्चा आगे चलते हैं, इसको हम वन दे देते हैं। अभी सेम दे, आप बोलोगे सर अभी उल्टा देखना है कैसे, तो यहाँ जो एंगल है वो उसका यूज करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन तो है ही, वो तो पता है, हम लिखना शुरू करते हैं POS प्लस आप बोलोगे एस ओ आर और बाद में बोलोगे आर ओ क्यू, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। तो आप लिखोगे सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। बच्चे ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक लिखना। नहीं लिखोगे तो मार्क में मैजिक दिखेगा। तो जैसे ये पॉइंट हो जाता है, तो यहां हमने लिख दिया 2। अब लिखेंगे एड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को एड करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये रहा पीओटी प्लस एंगल POQ पहला पॉइंट। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे TOS SOR प्लस ROS इज इक्वल टू ये 180 प्लस 180। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया जो होना था उससे। ध्यान से देखोगे ना तो हमारा POQ आया, POQ आ गया, QOR आया, तो आप बोलोगे सर ये रहा QOR। लास्ट एंगल हम लिखेंगे ROQ इज इक्वल टू 180। आप बोलोगे देखो सर पहले SOT लिया, बाद में TOR लिया, SOR बोल सकते हो और ROS जो भी एंगल बोलना है, और आखिर में लिया ROQ जो हमने लिया। कौन से लॉजिक के हिसाब से? तो आप बोलोगे सर यहां लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। तो आप बोलोगे सर ये लॉजिक आप नहीं तो कहीं बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना बच्चा, ये लॉजिक में लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने लिख दिया 2। अभी आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इतना होने के बाद सिंपल टोटल शुरू करते हैं ये दोनों का। हम यहाँ पे लिखेंगे एड 1 एंड 2, तो मतलब 1 एंड 2 को एड करेंगे, तो लिखेंगे POT प्लस POQ। आप बोलोगे सर आगे लिखते हैं TOS प्लस SOR और लास्ट में लिखेंगे ROQ इज इक्वल टू यहां पे भी 180, यहां पे भी 180, तो 180 प्लस 180। आप देखोगे तो आपका बहुत कुछ नजदीक है प्रूव करने के लिए। तो पहले आप बोलोगे POQ, तो POQ ये रहा, बाद में QOR, तो यहां पे हम लिखेंगे QOR, ROQ या QOR दोनों सेम ही बात हुई। बाद में आप बोलोगे SOR, तो SOR भी हमारा हो गया। तभी आप बोलोगे सर हमारे पास क्या है जो हमने लिखना बाकी रह गया है, अभी POS भी है तो वो भी लिख देते। आप बोलोगे लास्ट में सर एक एंगल नहीं बन रहा, कौन सा वाला? तो आप बोलोगे सर POS। तो बच्चा उसके लिए हिंट दी गई है, ध्यान से देखना, POT है और SOT, तो ये रहा हमारा POT और ये रहा SOT। ये दोनों को आप प्लस कर देते हो, आप दोनों को प्लस कर देते हो, तो बच्चा आप क्या बोलोगे POS प्लस POQ प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 360, क्योंकि 180 प्लस 180 हो जाएगा कितना 360। बच्चा शांति से देखो तो ये पॉइंट बहुत सिंपल ही क्लियर हो जाएगा। POT और TOS ऑलरेडी हमने लिख दिया है कि ये दोनों को एंगल को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर एंगल को मिल जाएगा POS। तो बच्चा ये सम जो है वो लॉजिक के साथ करोगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ध्यान उतना रखना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, सर ने स्टेप कैसे फॉलो किए। पहले लीनियर लाइन लिखा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल के
जो सम होता है वो 180 होता है, उसका कैलकुलेशन किया, बाद में दोनों एंगल का तीनों एंगल का टोटल करके दिखाया और सम को कैलकुलेशन किया। बस यही ध्यान रखना है बच्चा, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी तरह करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चा यही हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। अभी जो लेक्चर में शुरू करेंगे वो थोड़ा एक दो पॉइंट देख लेते हैं, जो मेन मेन पॉइंट है प्रॉपर लिख लो बच्चा।